नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयादशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो संबोधन भी दिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के कदम के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड को एक विभाग से सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले 7 निगमों में बदलने का निर्णय किया है, जिसके तहत आज पीएम मोदी ने इन्हें देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 DBSUs को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देंगी। विजयादशमी के पावन पर्व के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के DRDO परिसर में शस्त्र पूजा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ लगातार चलता रहता है। वहीं इस मौके पर उन्होंने 7 नई DPSUs को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे 7 नई रक्षा कंपनियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया भर के लिए रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र की सक्रिय पार्टिसिपेशन के साथ रक्षा क्षेत्र में डिजाइन से लेकर उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाना है। RSS के मुखिया मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर कहा कि आज भी देश में हिंदुओं को बांटने के प्रयास चल रहे हैं और ऐसे लोगों ने गठबंधन भी बना लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को कटा बंटा रखने के लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं, इसलिए भारत और उससे जुड़ी चीजों की निंदा करने के प्रयास चल रहे हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि कैसे ये पतन से और टूटने से बचाता है, लेकिन इस पर भारत में ही हमला करने की कोशिश होती है। भारत में इस वजह से हमले चल रहे हैं कि यदि ये मजबूत हुआ तो हम नहीं चल पाएंगे। ऐसे लोगों ने गठबंधन बना लिया है। विजयादशमी के मौके पर संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, हम लोगों के मन से आज भी देश के विभाजन की टीस खत्म नहीं हुई है। उस दुखद इतिहास के बारे में हमें जानना होगा। गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व की शुरुआत सुबह 9 बजे शिवनाथ जी के विशिष्ट पूजन से हुई। गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी ने मुख्य मंदिर में शिवनाथ एवं सभी देवों का पूजन किया। सभी को भोग लगाया गया। विशेष परिधान में बाहर आए गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के साथ भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर में निकली। पारंपरिक शस्त्रों के साथ नाथ योगियों, पुजारियों व संतों की यात्रा में पूरे शाही तरीके से वेद पाठी, किशोर युवा त्रिशूल तलवार व अन्य शस्त्रों के साथ इसमें शामिल रहे। शोभा यात्रा में बैंड के साथ डमरू, बीन, शंख के साथ कलाकार शानदार तरीके से शौर्य और अध्यात्म का प्रदर्शन करते चल रहे थे। शोभा यात्रा सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में पहुंची। यहां गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गर्भगृह में श्रीनाथ जी का अनुष्ठान एवं पूजन किया। ढोल नगाड़ों के साथ आरती संपन्न हुई। श्रीनाथ पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम दरबार, अखंड धुनी, हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण दरबार सहित मंदिर परिसर में स्थापित सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करीब 4 साल बाद पटना पहुंचने वाले हैं। वो 3 साल से अधिक समय तक चारा घोटाला मामले में झारखंड की जेल में रहे थे। इसी साल अप्रैल में वो जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। उसके बाद से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के निवास पर आराम कर रहे हैं। संभवतः वो 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। राजद सूत्रों के अनुसार पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित पार्टी मुख्यालय को लालू यादव की वापसी के मौके पर अनूठे अंदाज में सजाया जा रहा है। यहाँ पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन को बड़े आकार में लगाया जा रहा है। पत्थर का बना 6 टन का ये लालटेन 24 घंटे जलेगा। इसका प्लेटफॉर्म बनाने का काम जारी है और अगले कुछ दिनों में ये स्थापित हो जाएगा। राजद सुप्रीमो 20 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे और 25 और 26 अक्टूबर को दोनों विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भारत को 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की सदस्यता के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2022 में शुरू होगा। भारत का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ और इसमें भारत ने भारी बहुमत हासिल किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करते रहने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, भारत भारी बहुमत के साथ
UNHRC में अपने छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुआ। भारत में भरोसा जताने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। UNHRC में कुल 18 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को UNHRC के लिए चुना है। सभी का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए किया गया। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज हॉस्टल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी ने भूमि पूजन करते हुए देशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा ही समाज के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बदलाव आ रहा है, सभी के प्रयास से ही बड़े नतीजे सामने आएंगे। जाति पंथ को देश के विकास में रुकावट नहीं बनने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के अनुसरण का अर्थ है मानवता का और ज्ञान का अनुसरण, इसलिए गुजरात की धरती से बापू ने राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल के योगदान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पटेल का विचार प्रेरणादायी है। सिंगू बॉर्डर में किसान आंदोलन की मंच के पास एक युवक की हत्या कर शव टांगे जाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंगों पर आरोप लगाया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजीवाल ने आरोप लगाया है कि व्यक्ति की हत्या के पीछे निहंग सिखों का हाथ था। बलबीर सिंह राजीवाल ने कहा कि घटना के पीछे निहंग है, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। निहंग शुरू से ही हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ निहंग हत्या की बात स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना में जिम्मेदार कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में 5वें दीपोत्सव का विधि विधान से राम की पैड़ी पर भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह व दीपोत्सव के नोडल अधिकारी और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास भी शामिल हुए। दरअसल 5वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर 7.50 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने के साथ ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। वहीं दीप प्रज्वलित करने वाले वॉलंटियर्स भी एक ही रंग में दिखाई देंगे। अयोध्या के 5वें दीपोत्सव पर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चौथी बार रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए 9 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर सरयू तट के किनारे से लेकर संपर्क मार्ग तक बने राम की पैड़ी के 32 घाटों पर दीप जलाए जाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स को तैयार किया गया है। दशहरा का दिन शिवसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सालों से इस त्योहार को सभी शिवसैनिक बहुत ही धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। इस साल भी इस त्योहार को मनाने के लिए शिवसेना ने विशेष तैयारी की है। हालांकि कथित रूप से दिनों दिन हिंदुत्व से दूर जा रही शिवसेना के लिए इस त्योहार का महत्व कम होता दिखाई दे रहा है। शिवसेना के इसी दुखती रथ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमला करना शुरू कर दिया है। उसने मुंबई में शिवसेना भवन के सामने इसी तरह का बैनर लगाकर पार्टी को चिढ़ाने का काम किया है। दशहरे की पूर्व संध्या पर मनसे ने शिवसेना भवन के सामने एक बैनर लगाया है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस बैनर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीर है और मनसे की ओर से दशहरे की शुभकामनाएं दी गई है।